आज मैं आप लोगों के साथ मिल्क पाउडर बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कई लोग होते हैं जिनकी जो बर्फ़ी होती है काफ़ी च्यूई बन जाती है, यानी रबड़ जैसी बन जाती है। तो आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें आप कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर लें, आपकी जो बर्फ़ी है वो च्यूई नहीं बनेगी। तो चलिए बर्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच घी। घी को हम पिघला लेंगे, फ्लेम को लो रखेंगे। घी अब पिघल गया है तो आधा कप दूध इसमें हम डालेंगे। दूध मैंने फुल क्रीम लिया है, ये रूम टेम्परेचर पे है, यानी गर्म करके ठंडा किया हुआ है। आप कैसा भी दूध ले सकते हैं। तो अब हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मिल्क पाउडर लिया है। तो पहले हम 1 कप मिल्क पाउडर इसमें डालेंगे और जो दूसरा 1 कप मिल्क पाउडर है उसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और मिक्स करेंगे। कभी भी आपको इंस्टेंट बर्फ़ी बनानी हो तो आप इस रेसिपी को यूज़ करके बर्फ़ी बना सकते हैं। इस तरीके से अगर आप बर्फ़ी बनाएंगे तो जो मावा बर्फ़ी मार्केट में मिलती है उससे कई गुना अच्छी हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार होती है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने पूरा मिल्क पाउडर इसमें मिला लिया है और अब हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर। तो 3 से 4 इलायची मैंने यहाँ पर कूट के लिए हैं, ये भी हम इसमें डाल देंगे। इससे जो बर्फ़ी है उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने पिसी हुई चीनी ली है जो कि ली है 1/2 कप। मिल्क पाउडर भी मीठा होता है तो चीनी हमें थोड़ी कम ही डालनी है। चीनी को भी हम मिक्स में अच्छे से मिला लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी थोड़ी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। हमारी जो बर्फ़ी का मिक्सचर बना है काफ़ी दानेदार दिख रहा है, इसी से पता चल जाता है कि जो बर्फ़ी है वो आगे चल के च्यूई नहीं बनेगी। तो अब जो ये मिक्स है ये रेडी हो गया है, फ्लेम को हम बंद कर देंगे। हमें बस पैन छोड़ने तक ही सभी चीज़ों को पकाना था। अब मैंने यहाँ पर एक ट्रे ले ली है, इसमें मैंने पहले से बटर पेपर लगा लिया है। इसमें हम बर्फ़ी के मिक्स को ट्रांसफ़र कर लेंगे और अच्छे से फैला लेंगे। बर्फ़ी की थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी मोटी या पतली रख सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। मैंने इस ट्रे में बटर पेपर लगाया है, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप डायरेक्टली घी से ग्रीस करके इस ट्रे को यूज़ कर सकते हैं। बर्फ़ी सेट होने के बाद अगर प्लेट से बाहर ना निकले तो आप नीचे से प्लेट को हल्का सा गर्म कर लें तो बर्फ़ी अपने आप ही निकल आएगी। 5 से 10 सेकेंड आप गैस पर हल्का सा गर्म कर लें। अब इस बर्फ़ी को हम ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इसे ठंडा होने में लगभग 1 से 2 घंटे का समय लग जाएगा। आप चाहें तो इसे कवर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। बर्फ़ी अब हमारी सेट हो चुकी है तो इसको गार्निश करने के लिए मैं इस पर चांदी का वर्क लगा रही हूँ। तो चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी जो बर्फ़ी है कितनी सुंदर दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है ये। आप मार्केट वाली बर्फ़ी भूल जाएंगे एक बार इसे बनाएंगे तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई ज़रूर करिएगा।